हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ सैंडविच व्हिच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड फुल ऑफ फाइबर सो लेट्स स्टार्ट इसके लिए मैंने ये रॉट आयन का पैन लिया है इसमें एक टेबल स्पून घी डालेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए दो ग्रीन चिलीज़ डाली है मैंने चॉप्ड और ये मैंने ग्रीन गार्लिक डाला है ये विंटर्स में अवेलेबल होता है आप नॉर्मल गार्लिक भी यूज कर सकते हैं ये थोड़ा सा भुन जाएगा अराउंड एक मिनट के लिए फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप्ड ये डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप कॉर्न ये अमेरिकन कॉर्न लिया है मैंने वो डालेंगे और फिर हाफ कप ग्रीन पीज डालेंगे इसमें ये फ्रेश ग्रीन पीज हैं और ये हाफ कप सोक्ड ब्लैक चना काला चना जो होता है वो डालेंगे और एक टीस्पून मैंने मिक्स्ड हर्ब्स और फिर ये एक टीस्पून स्पून चिली फ्लेक्स डाला है और इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स डाली हैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको कवर करके करीब छः से सात मिनट तक हम इसको कुक करेंगे इन सारी सब्जियों को बाइंड करने के लिए मैंने एक घोल बनाया है एक टीस्पून राइस फ्लावर, एक टीस्पून बेसन और एक टीस्पून स्पून स्टार्च इसको दो टेबलस्पून पानी में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इतना मिक्स करना है इसको कि जिससे इसमें कोई लंप ना रह जाए जब ये मिक्स अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा फिर हम इसको ये वेजिटेबल्स देखिए सिक्स सेवन मिनट्स हो चुके हैं पक चुकी हैं अब हम ये घोल इसमें डाल देंगे और इसको फिर से पकाएंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई सॉस या कुछ ऐसा नहीं मिक्स किया है इसका अपना फ़्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सो so, अब ये सब्जियाँ पक गई हैं और इसको हम एक ऐसे मैश कर लेंगे ऐसे मैश करने से फिर ये कॉर्न और ये चना और मटर जो है ये एक साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा फिर सैंडविच में हमको फिल करने में बहुत आसानी होगी और अच्छा टेस्ट आएगा ये रेडी हो गया है हमारा ये फिलिंग अब देखिए मैंने ये मल्टी ब्रेड ली है और इनको अच्छी तरह से इसमें फ़िल करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा नहीं तो ये ब्रेड फटने लगेगी फिर ये दोनों ब्रेड को इसमें मैंने ये सैंडविचेस में ये फिलिंग डाल दी है और अब हम इसको पैन में बटर डाल के सेकेंगे पैन गर्म हो गया है इस पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है जो एक्स्ट्रा बटर है वो हम निकाल लेंगे और फिर इस पर ये दोनों सैंडविचेस रख दी हैं और ये करीब लाइट ब्राउन होने तक अराउंड हाफ अ मिनट और मे बी अ मिनट इतना लगेगा आपको डिपेंडिंग अपॉन दी आपका फ्लेम कितना हाई है और वो इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा सो so, इसको देखिए ऐसे टर्न कर देने से जो साइड्स में बटर है पैन पे वो इसमें अच्छे से लग जाएगा अब हम ये जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने तक हम इसको सेंक लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा बटर और डालेंगे जिससे दूसरी साइड में भी बटर अच्छी तरह से लग जाए और अब ये हमारा सैंडविच अच्छी तरह से दोनों साइड से सिक गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे मैंने इसको सर्व करने के लिए इसके ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं जिससे देखिए इसकी फिलिंग आपको कितनी अच्छी नज़र आएगी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सैंडविच है आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग